तरह से बनाते हैं HTML में। तो टेबल बनाने के हम पहली चीज आती है, हम टेबल बनाते क्यों? अब आपने टेबल बनाना MS Word में भी सीखा था, MS Excel में भी सीखा था, और आप पावर पॉइंट में भी जो है टेबल बना सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। अब बात आती है हम अपनी वेबसाइट के ऊपर टेबल किस तरह से बनाते हैं। भाई टेबल इस तरह से होता है ना कि जैसे हमारा, जैसे अगर मैं स्टूडेंट का मुझे डेटा इंसर्ट करना है, अब स्टूडेंट का नेम हो गया, फादर नेम हो गया, कोर्स हो गया, क्लास हो गया, फी हो गई, अब ये सारा किस में आता है? टेबल के अंदर आता है। तो अब ये टेबल हम अपनी वेबसाइट में किस तरह से बना सकते हैं? अब टेबल हम अपनी वेबसाइट में किस तरह से बना सकते हैं? अब इसका कॉन्सेप्ट वही है जो हमारे पास एमएस वर्ड में और हमारे पास एमएस एक्सेल में आ रहा था कि रोज और कॉलम को मिला के आपके पास टेबल बनता है। अब फॉर एग्जाम्पल इस तरह से समझो कि आपके पास, अब क्या तरीके आते हैं रो बनाने के। अब एक रो के अंदर आपके पास मल्टीपल कॉलम होते हैं। अब रोज क्या होती है? आपके पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, और कॉलम क्या होते हैं? जो आपके पास वाई एक्सिस पे बन रहे होते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या है एचटीएमएल में टेबल बनाने का? तो सबसे पहले आपने सिंटेक्स में क्या टेबल बनाने के लिए वही बात आती है कि ओपन क्लोज टैग, आपने टेबल ओपन भी करना है, उसके बाद टेबल का टैग आपने यहाँ से क्लोज भी करना है। यहाँ तक बात हुई क्लियर? ये तो आपका समझे जिस तरह से हमने अनऑर्डर लिस्ट सीखी, ऑर्डर लिस्ट सीखी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट सीखी और लिंक्स लगाने सीखे, वो सारे इसी तरह से काम कर रहे थे, ओपन क्लोज टैग हो रहे थे और बाकी काम सारा उसके अंदर हो रहा था। अगर आपने उसमें कोई आइटम रखने थे तो आप क्या कर रहे थे कि एलआई यूज कर रहे थे लिस्ट आइटम। अब इसके अंदर आपके पास कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहले अगर आप जो काम करते हैं वो करते हैं टेबल रो के ऊपर, टी आर, जिसे हम क्या कहते हैं टेबल रो। अब टेबल रो आपने कितनी रोज बनानी है आप उतने टी आर बनाएंगे अपने टेबल के अंदर, और टी आर का टेक आप ओपन भी करेंगे और टी आर का टेक क्लोज भी करेंगे। मतलब अब आपके पास एक टेबल है, अब एक टेबल के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल मेन टॉपिक जो है आपके पास आ गया, स्टूडेंट का डेटा रख रहे हैं आप, एडमिशन डिटेल्स आ गए। आप उसके अंदर जो मेन जो बुलेट पॉइंट में होगा वो क्या होगा? आपका नेम, फादर नेम, क्लास, फी, कोर्स, ये जो ऊपर पहली वाली रो होगी, पहली वाली रो क्या होगी? बुलेट पॉइंट होंगे। उसके बाद जितनी भी आप रोज बनाते जा रहे हैं, जितने भी बच्चों को डेटा डालते जाएंगे उतना टी आर लगाते जाएंगे। अब लिखने के दो तरीके होते हैं। पहली रो के अंदर हमें जो फादर नेम, कोर्स और नेम रखना है वो रखना है आपने हेडिंग के तौर पर। तो हेडिंग के तौर पर रखना है तो आप क्या यूज करेंगे? टी एच, टेबल हेडिंग, टी एच टेबल हेडिंग। और फिर आपने एक एक ये सिंगल ऊपर कॉलम रख दिया, उसी के नीचे आपने फिर क्या रखना है? उसका डेटा रखना है। अब उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? टेबल डेटा के लिए टी डी, टेबल डेटा। इस तरह से इंग्लिश इंग्लिश वर्ड आप पूरे पूरे याद कर लेंगे और ये कॉन्सेप्ट टी डी टेबल डेटा। अगर आपने हेडिंग डाल ली है उस रो के अंदर या उस टेबल के अंदर तो आप क्या यूज करोगे? टी एच यानी टेबल की। और अगर आपने सादा सिंपल फॉर्मेट के अंदर विदाउट बुलेट पॉइंट आपने कोई डेटा रखना है तो आप टी डी। अब चलते हैं हम, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको आया समझ? टी डी जो है सेल नहीं जा, नहीं नहीं आप ओपन क्लोज से मुझे टी आर क्या था टेबल रो इस तरह से आते हैं। अब चलते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड की जानिब। सेट कर लेते हैं हम इंग्लिश विजुअल स्टूडियो कोड, और आपने यहाँ पे क्या रखना है? सबसे पहले आपने वाला फोल्डर ओपन करना है जो हमने आपके पास बना हुआ था। तो फाइल में आ जाए, ओपन फोल्डर में आ जाए। सिंपल ओपन फोल्डर में आने के बाद हमने कहा ई में बनाया था VID 30 5 to 6 बॉइस HTML और सेलेक्ट फोल्डर। तो ये हमारे पास फोल्डर ओपन। अब अगला काम क्या है? आपने एक न्यू फाइल बनानी है। तो न्यू फाइल किस तरह से बनती है? आपके पास फोल्डर ओपन है, यहाँ पे आगे आपने क्लिक करना है न्यू फाइल के ऊपर, और यहाँ पे नाम रख लिया। अगर आप टेबल बनाते हैं तो टेबल मैंने इसका नाम रख दिया टेबल.html फाइल एक्सटेंशन रख दिया। एंटर करें तो आपके पास एक HTML की फाइल यहाँ पे बन चुकी है। सबसे पहले हम हमारा बेसिक कोड लिख लेते हैं, डॉट टाइप, और ये सारा हमने यहाँ पे हमारा बेसिक कोड लिख लिया, ठीक है। अब इसमें टाइटल, आज हम डॉक्यूमेंट की जगह टाइटल क्या रखना है? टेबल। तो टाइटल में इसका टेबल रख देता हूँ। और बॉडी में हम क्या रखते थे? बॉडी में रखते हैं हम सबसे पहले H1 की हेडिंग रखते हैं। तो हम आज किस पे काम कर रहे हैं? टेबल के ऊपर। या मैं H1 की हेडिंग में ये दे देता हूँ कि स्टूडेंट एडमिशन डिटेल, एडमिशन डिटेल, हाँ एडमिशन
डिटेल्स। अब हम अपनी सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं, दिखने की तरह सिंपल आपने ई में जाना है फाइल में, और सिंपल आपने कहा जाना है 5 to 6 वॉइस HTML और आपने हेडिंग में। तो अभी सिंपल आपने क्या किया है, यहाँ पे एक हेडिंग शो करवा दी। हेडिंग का नाम क्या था, HTML डिटेल के नाम से आपने टाइटल यहाँ पे चेंज कर दिया, टेबल और ये आपके पास आप बना लिया। इसके अंदर आपने पूरी एडमिशन डिटेल की टेबल बना दी पूरी। फिर हमारे पास आप देखिए आप आपने क्या करना है, क्या काम आपने यहाँ टेबल बना दी। अब टेबल बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या बॉडी के अंदर बनाना है, टेबल टेक को ओपन करना है। तो टेबल टेक को ओपन किस तरह करेंगे, आपने सिंपल यहाँ क्या लिखना है, टेबल और क्लोज करना है। तो आपको ये ऑटोमेटिकली टेबल टेक आप आपकी पूरी टेबल इसके अंदर बनेगी, जहाँ पे टेक ओपन हो रहा है और जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके दरमियान आपकी पूरी की पूरी टेबल जो है बनेगी। अब सबसे पहले आपने क्या बनाना है, टेबल के अंदर रोज बनानी है। कितनी रो बनानी, अभी मैं बनाता हूँ पहली रो, एक रो बनाता हूँ जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास हेडिंग आएगी जिसमें हमारे पास नेम होगा, फादर नेम होगा, क्लास होगी, कोर्स होगा, फीस होगा, फीस होगी, डिटेल्स होगी स्टूडेंट की, और उसके अलावा कॉन्टेक्ट नंबर रख लेंगे हम, एड्रेस रख लेंगे, ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी। तो एक रो के अंदर आएंगे सारी कॉलम्स होंगी, ये सारे होंगे कॉलम्स, लेकिन रो तो एक ही होगी ना जिसमें सारे आएंगे। तो एक रो बनाने के लिए आपने क्या करना है, ताकि वो नीचे वाला जो डेटा हम स्टूडेंट का देंगे उससे थोड़ा सा अलग हो, चेंज में दिखे आप। आपने क्या यूज करना है यहाँ पे रो के अंदर, एक पहली रो के अंदर TH टेबल हेडिंग। आप पहली हेडिंग आप इस नाम से दे रहे हैं, हम दे रहे हैं नेम, या इसको आप इस तरह से करते हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम हो गया। उसके बाद एक और TH देना है इसी TR के अंदर, इसी रो के अंदर एक और कॉलम बनाना है, तो एक और टेबल हेडिंग TH, और इसके अंदर क्या देते हैं आप, फादर नेम दे दें, हाँ। फिर एक और TH बना दें आप यहाँ पे, इसके अंदर क्या देंगे आप, क्लास देंगे। फिर एक और TH बना दें आप, इसके अंदर आप क्या देंगे, आप फीस दे देते हैं फी। फिर एक और TH बना दें आप, इसके अंदर आप दे दें कोर्स, सर ने में स्टार्टिंग में देते लेकिन हमने दिया नहीं चला छोड़। और यहाँ पे हम दे देते एक और हेडिंग, किस नाम से, एड्रेस। अरे भाई दिखता है यार तुम्हें, ले लो चश्मा लगवाओ ना आंखों का, ठीक है। यहाँ तक बात हुई क्लियर। अब हमने क्या किया है कि एक अब आप एक और दे देते हैं, हम एक और हेडिंग दे देते हैं, एक और कॉलम बना लेते हैं TH के नाम से, जिसके हम देते हैं, जिसके अंदर हम देते हैं कॉन्टेक्ट नंबर, उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी आ जाएगा। अब देखते हैं आपकी वेबसाइट में किस तरह का दिखता है। मैंने यहाँ रिफ्रेश किया अपनी वेबसाइट को, तो ये बनेगा आ गई आपके पास, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, बन के नहीं आया, बॉर्डर बन के नहीं आया, टेबल बन गया बॉर्डर। तो बॉर्डर बने क्यों नहीं है, क्योंकि आपने बॉर्डर दिए नहीं है। मैंने आपको पहले दिन ये बात सिखाई थी कि आप कोडिंग में जो लिखते हैं वो आपको वही आउटपुट देता है, आपने बॉर्डर नहीं लगाए तो बॉर्डर नहीं देगा। अब बॉर्डर किस तरह से लगते हैं, ये CSS का आगे चल के काम है, हम HTML में, लेकिन इसका बेसिक हमें पता होना चाहिए, तो हम बेसिक सिंपल सीखते हैं बॉर्डर किस तरह से लगते हैं। आपने टेबल में बॉर्डर लगाना है पूरी में, मेरा टेबल के टेक के यहाँ पे आना है आपने, जहाँ पे ओपन हो रहा है एंटर करें, और यहाँ पे देते सिंपल बॉर्डर, और यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं हम 2 pixel का बॉर्डर दे देते हैं, और सॉलिड बॉर्डर देते हैं, सॉलिड यानी बिल्कुल डार्क सॉलिड, पत्थर जिसम देते हैं सॉलिड, सॉलिड कर दिया। और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, बन गया बॉर्डर 1 pixel का जो आप पूरी टेबल पे दिया है ना, आप जितना भी काम करते जाओगे सब पे बॉर्डर लगता जाएगा, क्योंकि टेबल के ऊपर दिया आपने, उस रो में नहीं दिया खाली, अगर खाली उस रो में दोगे तो सिर्फ उस रो तक ही चलेगा।
आपने ओवरऑल पूरी टेबल को देख लिया। अब इस टेबल में जितना भी डेटा बनेगा, जितनी रोज जितने कॉलम, सबके ऊपर बॉर्डर आएगी। यहाँ तक बात भी क्लियर? अब देखिए इसमें एक फर्क है टीडी में, के बोल्ड हुआ बार, क्योंकि हमने टेबल हेडिंग यूज की थी, टीएच यूज किया। यहाँ तक बात भी क्लियर? अब बात करते हैं, अब आपने यहाँ पे क्या देना है, स्टूडेंट नेम देना है। पहला नेम हम एक स्टूडेंट की डिटेल देते हैं, पहले सिंगल स्टूडेंट की डिटेल देते हैं। तो आपने क्या बना दी, एक और रो, क्योंकि अगली रो में आएगा। एक और रो किस तरह से बनाएंगे आप, यहाँ पे ये पहली रो यहाँ पे खत्म हो रही है, इसी के नीचे एक और किया गया। अब इसके अंदर आपने क्या देना है, टीडी देना है। अब टीएच क्यों नहीं देना, क्योंकि हेडिंग तो नेम वगैरह को दे दी। अब आपने सादा डेटा देना है, तो आप क्या यूज करेंगे, सादा डेटा देने टीडी। पहले नेम लिखेंगे, अब पहले फर्स्ट में क्या हमारा स्टूडेंट है, काफे काफे कर दूंगा कावरंतल, ठीक है। फिर आपने अब एक और टीडी, इस टीडी में क्या देना है, फादर नेम बता रहा है, ठीक है। फिर आपने क्लास लिख ली है, तो टीडी में हम कहते थे क्लास में डीआईडी। फिर आपने फीस देनी है, फॉर एग्जांपल हम कहते थे इनकी फीस हमने आगे दी ओवरऑल, पूरे हम साल की कहते थे, ओवरऑल जो इनकी पूरे साल की हम कहते थे 12,000, ठीक है। फिर हम यहाँ पे हमने कोर्स में हम ये कहते थे फिलहाल इनका एचटीएमएल चल रहा है हमारा कोर्स, और यहाँ पे हमारे पास फिर आता है एड्रेस कोर्स में, हमने ऊपर दिया हुआ था, दो दो दफा हम नहीं दे रहे, एक दफा क्लास में दिया है, वहाँ पे भी एड्रेस नाम देते थे, कुछ भी यमुना दास के देता हूँ, ठीक है, यमुना दास। फिर आपने एड्रेस के बाद कॉन्टेक्ट नंबर देना, तो हम कोई भी रैंडम जो है कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं अगली रो किस तरह की बनी है आपके पास। सेंटर में क्या रो, ऊपर वाले तो सारे सेंटर। यहाँ पे बात नहीं की है, नंबर वो एट कर लेना। यहाँ तक बात नहीं क्लियर, एक और बच्चे का डेटा एड करना है आपने, तो यानी एक और रो बनानी पड़ेगी आपको। तो क्या करते हैं, इसी रो को कॉपी कर लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पेस्ट करते हैं, खाली हम उसका नाम चेंज करते जाएंगे, हमें कोई बेसिक नहीं है। तीन बच्चों का और मैं डेटा एड कर रहा हूँ, चार का हो गया, राफे हो गया, क्लास कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ये सबकी डिटेल ऐड कर दी, हुमायूं सफूर और जितने भी स्टूडेंट थे उन सबकी डिटेल ऐड कर दी। अब देखिए ये सारी मैंने रोज बनाई है, तकरीबन 5 रोज बनाई है। अगर मैं अपनी वेबसाइट में आके रिफ्रेश करूँ तो ये देखें आपको यहाँ पे सारी की सारी रोज बन गई, राफे की, कैलाश की, सफूर की और हुमायूं। क्या बाहर अलग अलग है, एक ही तो कॉलम है मेरे बेटे, एक ही कॉलम है, ठीक है। यहाँ तक बात नहीं क्लियर, टेबल किस तरह से बनाते हैं, यहाँ तक बात क्लियर हुई, अब चलते हैं आगे। टेबल तो हमने बनाना सीख लिया, अब आगे आता है हमारे पास टेबल सेल। ये तो हमने सीख लिया कि टीडी किस तरह से यूज करते हैं, सेल वगैरह किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक टेबल कॉल स्पेंड। अब कॉल स्पेंड क्या होता है, कॉल स्पेंड आप समझ लें कि आपने दो रोज को अगर एक बनाना हो, या दो कॉलम को एक बनाना हो, या तीन कॉलम को एक बनाना हो, या दो तीन रोज को एक बनाना हो, मर्ज कर देगा, तो हम कॉल एट्रीब्यूट होता है, ये कहलाता है हमारे पास एट्रीब्यूट, कॉल स्पेंड एट्रीब्यूट। हमने एट्रीब्यूट जैसे पढ़े थे इमेज लिंक लगाने के लिए एचआरईएफ पढ़ा था, लिंक लगाने के लिए पढ़ा था, एचआरईएफ पढ़ा था, और इमेज वाले के लिए हमने पढ़ा था एसआरटी पढ़ा था सोर्स। इसी तरह से हमने टेबल बनाने के लिए हमारे पास आता है, अगर आपने दो 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 कॉलम को एक करना हो या दो रोज को एक करना हो, तो आप क्या यूज करते हैं, कॉल स्पेंड एट्रीब्यूट। क्या यूज होता है आपके पास, कॉल स्पेंड। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फादर स्टूडेंट नेम, या इधर देखिए, यहाँ देखिए भाई, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट नेम और फादर नेम एक हो जाए, कनेक्ट हो जाए, दोनों कॉलम दो कॉलम है ना, दरमियान में कॉलम आ रहे हैं, दोनों कॉलम एक ही कॉलम हो, हमारे जाकर कभी मर्ज हो जाए, क्या करने के लिए आप मर्ज किस तरह से होंगे आपके पास, तो आपने
जिस जगह पे आपने इक्वल करना है वहाँ पे दो कॉलम को एक करना है, तो आप उसके साथ पॉलिश पेन लगा के टू कर देंगे वो एक ही हो जाएगा। किन दो को एक करना है? अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। यहाँ पे आते हैं हम हेडिंग वाले पे। आप बोलिए फादर नेम और जो है क्या करना था स्टूडेंट नेम और फादर नेम एक ही करना है। तो मैं क्या आया, मैं यहाँ पे आया स्टूडेंट नेम के यहाँ पे, या हम टेबल रो के अंदर आते हैं और यहाँ पे लगाते हैं रो में हमें दो एक करना। तो यहाँ लगाया मैंने क्या, स्पेन इक्वल टू डबल कोटेशन टू दो कर दिया, दो किया और अब मैं आगे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब कोई चेंजिंग नहीं हुई क्योंकि भाई आपने पूरी की पूरी टेबल की रो को आपने कर दिया दो कर दो, तो क्या चीज है वो? तो आपने क्या कॉलम को करना है ना, तो आप वो कॉल स्पेन कहाँ पे आगे लिखोगे? और यहाँ पे क्या लिखो, कॉल स्पेन और कितने करने हैं? टू कर दिया। अब आगे रिफ्रेश करते हैं।